देखिए ये बकायदा यहाँ पे ब्लेड की चेकिंग हो रही है ना। सबसे बड़ा चीज़ होता है इंस्पेक्शन, मतलब एक एक ब्लेड को बारीकी से चेक करना, ये बहुत बड़ा काम अपने आप में होता है। एक एक ब्लेड को बारीकी से देखिए, दोनों आदमी देख रहे हैं कि कहीं पे ये पाउडर कोटिंग हुआ है। जस्ट अभी पूरे रैक में माल को अनलोड किया गया है और इसको बारीकी से आंखों से देखिए, कुछ निकला यहाँ पे, कुछ गड़बड़ मिला इनको। जो छांट दे रहे हैं उसमें हल्का भी रिजेक्शन आ गया, उसकी छटाई हो जाती है। दो व्यक्ति बारीकी से सिर्फ चेक करने पे लगे हुए हैं। देखिए यहाँ भी कोई डाउट, अगर डाउट क्रिएट होगा तो वो पास नहीं होगा। देखिए उसकी छटाई हो गई, ये देखिए ये इतना पास हो गया। अब ये एक साइड पास हुआ है, अब इसको दूसरा साइड भी चेक किया जाएगा, डबल साइडेड। ये अब देखिए ये दूसरे साइड से चेक हो रहा है। अब दो व्यक्ति खाली एक ही काम को कर रहे हैं, चेक करने का। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति से कुछ भी मिस कर जाए तो सर दूसरा व्यक्ति है ना। अब जब ये बारीकी से टेस्टिंग हो जा रही है तब ये आगे की तरफ जा रहा है। देखिए अब आगे कहाँ जा रहा है, ये आगे जा रहा है एंगलिंग में। अब ये साहब जो हैं ये एंगलिंग में लगे हुए हैं, इनका काम है एक एक ब्लेड को चेक करना कि उसकी एंगलिंग प्रॉपर है कि नहीं। अगर थोड़ा भी मिसमैच है तो उसको फिर से वो अलाइन कर देते हैं। बारीकी से देखिए एंगलिंग कैसे होता है। अभी ये एक अलग मॉडल पे काम हो रहा है। असल में मॉडल्स इतना है ना, इतना ज़्यादा मॉडल्स है कि, और ऑर्डर्स भी लोग के पास जब कैटलॉग आ रहा है तो लोग एकदम खुल के ऑर्डर कर रहे हैं, बिंदास ऑर्डर कर रहे हैं। और इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि डिस्पैचिंग जो है वो कोशिश तो किया जा रहा है कि एक ऑर्डर को एक साथ निकाला जाए, लेकिन दूसरी कोशिश ये भी की जा रही है कि ऑर्डर को होल्ड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अगर पांच मॉडल में ऑर्डर है तो पांचों मॉडल के लिए ऑर्डर को 15 दिन होल्ड कर दिया जाए, 5 दिन होल्ड कर दिया जाए। जो मॉडल रेडी हो, ऑर्डर अगर उसका 200 पीस का भी है या 50 पीस का भी है, उसको फौरन डिस्पैच कर देना है। इसलिए कस्टमर को भी लगे कि हमने 500 पीस या 200 पीस का जो ऑर्डर किया है उसको माल मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। अब देखिए ये ब्लेड आगे जा रहा है, आगे देखिए क्या होता है। हम लोग, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हर महीने एक दिन के लिए आता हूँ और एक बार आप लोगों के सामने पूरे काम को दिखा देता हूँ, क्योंकि संभव नहीं है, बहुत लोग जगह जगह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक एक ब्लेड को वेट किया जा रहा है। अब क्यों वेट किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। 1 ग्राम का भी वजन में अंतर नहीं होना चाहिए तीनों ब्लेड में, तीनों ब्लेड का वेट एकदम बिल्कुल एक्चुअल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये तौलते हैं, रखते हैं जिस पे, वहाँ पे बत्ती जल जाता है कि ये किस खंड में जाना चाहिए, है ना। जैसे देखिए इन्होंने रखा इधर, वो बत्ती जला उधर, वो वहाँ डाल दिए। यही प्रोसेस है, मतलब ब्लेड आएगा पीछे से, इनका काम है खाली उसकी सॉर्टिंग करना, छटाई करना। जैसे डाक घर में देखते थे ना, चिट्ठी की छटाई की जाती थी, ये कॉन्सेप्ट दरअसल वहीं से आया है। इसी प्रकार का एक खंड जो होता था डाक घर में होता था, वहाँ पे भी क्या होता था, हर राज्य के हिसाब से पहले एक बार राज्य के हिसाब से छटाई होती थी, फिर जिला के हिसाब से छटाई होती थी। तो इस तरह से जब 3 ब्लेड एक वजन का आ जाता है तो उसको पैक करने का काम किया जाता है। यहाँ पे जो जो लोग ब्लेड को छूने वाले हैं, फाइनली उन सब के हाथ में दस्ताना है। ये आप देखिए क्यों है दस्ताना, गर्मी का दिन मोटा मोटी आ चुका है, कोई अभी स्वेटर का कहीं किसी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन दस्ताना पहनना ज़रूरी है। अब देखिए किसी भी खंड में 3 ब्लेड इनको नहीं मिल रहा है इकट्ठा, इसमें 3 का सेट मिल गया, ये उस खंड को उठा लिए, है ना। अब ये क्या करेंगे, उसमें सेपरेटर लगाते हैं, है ना, दोनों तरफ सेपरेटर लगाया, दोनों ब्लेड को आगे डाल दिया। अब ये आगे इनके पास आ गया, ये इसको एक मोटे प्लास्टिक में, जो कि अलाउड है ना, उसमें डिटेल, इसमें प्रिंट भी किया हुआ है, इस मोटे प्लास्टिक में उसको ये डाल देते हैं। और ये मॉडल जो बन रहा है अभी, ये मेरिडिया, अच्छा यही मेरिडिया का मोटर उधर बन रहा है और मेरिडिया का इधर में ब्लेड भी पैक हो रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लेड की पैकेजिंग हो रही है और कलर जो है उस कलर के हिसाब से यहाँ पे टेपिंग हो रही है।
और ये साहब यहाँ पे उस कलर का स्टिकर लगा रहे हैं। ये कलर जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रॉयल ब्लू है, ये रॉयल ब्लू कलर है, रॉयल ब्लू। वाकई देखने में भी लग रहा है कि पंखा रॉयल है। यहाँ पे पूरा ब्लेड और ये जो ट्रॉली है ना, ये फिर आगे के सेक्शन में वहाँ पे चला जाएगा। अगर आप अभी तक इस कंपनी से नहीं जुड़े हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप विक्चुरा एयर मोशन से जुड़ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले समय में नहीं मिलने वाला है। पूछिए क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तब तक पता नहीं एक एक ज़िला से लोग जुड़ जाएं, उस डिस्ट्रिक्ट का काम ले लें, और रोज़ इतना बड़ा कंपनी कभी खुलता भी नहीं है। गिनती का ब्रांड होता है, और सही पूछिए तो जितना भी ब्रांड है, आप किसी भी ब्रांड के फैक्ट्री को विजिट कीजिए, एक छत के नीचे इस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फैक्ट्री आज तक किसी ब्रांड का नहीं मिलेगा आपको देखने को, एक छत के नीचे। और सबसे बड़ी बात जो है सो किसी के पास नहीं है, ये जो फैक्ट्री है ना, ये स्टाम्पिंग भी खुद बनाती है, टॉप बॉटम भी खुद बनाती है, ब्लेड भी खुद बनाती है, कार्ड भी खुद बनाती है, मतलब लगभग सामान यहाँ खुद बन रहा है। और अगर कुछ नहीं भी बन रहा है तो वो भी पता चलेगा कि इस साल तक हम लोग देखेंगे। मैं तो हर महीना आऊँगा, हर महीने का विकास को आपको दिखाता चलूँगा। अगर आप मेरे पिछले वीडियोज़ को देखेंगे तो उस समय के वीडियोज़ को आपके वीडियोज़ से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी चेंजेस यहाँ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मौका है। वीडियो में जो नंबर आ रहा है ना, ये रुचिका मैडम का नंबर है। रुचिका मैडम रोहिणी ईस्ट में बैठती हैं, वहाँ इनका मार्केटिंग का ऑफिस है, लेकिन वहाँ भी जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं रुचिका मैडम को कल विजिट किया था, उनका लगभग मैंने 5 वीडियो बनाया, और 5 वीडियो को मैं डे बाई डे 5 दिन अपलोड कर दूँगा, और उस 5 वीडियो से सैकड़ों रील बनेगा। रील में, हर एक रील में जो नंबर फ्लैश हो रहा है ना, वो नंबर सिर्फ रुचिका मैडम का है। आप रुचिका मैडम से बात कीजिए, अगर आपके क्षेत्र में अभी जगह खाली है तो बिल्कुल मौका मत गंवाइए। भले 200 पंखा 100 पंखा भी हो, आप उस पंखा का भी ऑर्डर देके इस साल मौका है आपको कि आप 100 पंखे से भी जुड़ सकते हैं। इतनी छोटी सी क्वांटिटी से आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस को ले सकते हैं। सोचिए 100 पंखा से आप डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस ले रहे हैं, कम बड़ी बात नहीं है। ये मौका हो सकता है अगले साल आपके हाथ में न रहे, क्योंकि तब तक आपके अगल बगल में कोई ना कोई आदमी खड़ा हो जाएगा जो काम को कर रहा होगा। तो बिल्कुल जुड़िए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मौका भी मत गंवाइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये कम्प्लीटली बिजनेस चैनल है, मैंने बहुत सारा लाइव किया है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। काफ़ी लोग आज इस फैक्ट्री से जुड़ते चले जा रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।